मेरे लल्ला के सुंदर मुख पे माटी लग गई। डर गया लल्ला। लल्ला, माटी तो माता होती है, लल्ला की रक्षा करती है। शोदा जी, सभी अतिथि तो चले गए, किंतु कुछ ब्राह्मण द्वार पर अभी भी खड़े हैं हमारे लल्ला के दर्शन के लिए। उन्हें दर्शन नहीं, दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा दीजिए और कहिए कि कल आएं। मैं अभी किसी को भी अपने लल्ला को देखने नहीं दूंगी। देखो, वो तो हमारे लल्ला की प्रशंसा सुनकर यहां आए थे। अब तुम ना कह रही हो तो उचित है, मैं मना कर देता हूँ। क्या, मेरे लल्ला की प्रशंसा सुनकर आए हैं? और नहीं तो क्या। ठीक है, आज उन ब्राह्मणों को दर्शन करने देते हैं। आखिर मेरे लल्ला को आशीष देने ही तो आए हैं। मैं उन ब्राह्मणों को लेकर आती हूँ। देखा लल्ला, वैसे तो तुम्हारी मैया तुम्हें किसी को स्पर्श करने नहीं देती, किंतु यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो सब कुछ करने के लिए सज्ज है। क्या लाभ बड़े होने का, मैया बार बार मुझे ही तुम्हारी सेवा में लगा देती हैं। एक और शंका है, क्या तुम्हारे आराध्य से मैया तुमको मिलने देंगी? उन्हें भीतर तो आने दीजिए, आनंद आएगा। अरे क्या लीला करने वाले हो अनुज, देखते जाइए दाहू। अब देखता हूं इस ब्राह्मण वेश में मुझे कौन रोकता है। ये क्या, ये कैसी माया है? मैं तो अपने आराध्य से मिलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे आराध्य अपने वास्तविक रूप में मुझसे मिले। ये कैसी हट है प्रभु, परंतु अब आपकी ये हट है तो आपके इस भक्त को आपकी ये बाल हट भी स्वीकार है प्रभु। अब आपका ये भक्त अपने महादेव स्वरूप में ही आपके दर्शन करने के लिए आएगा। उचित नहीं है अनुज, मैया और महादेव दोनों को धर्म संकट में डाल रहे हो। धर्म संकट से आप निकलो दाऊ, निश्चित कर लो आप मेरी ओर हो या महादेव के पक्ष में। जो अनुचित है उसका पक्ष कैसे ले सकता हूँ? ओ ये बात है, देखते जाओ। अरे क्या हुआ, अभी तो मुस्कुरा रहे थे और अचानक से रोने लगे। एक कार्य तुमसे ठीक से नहीं होता बल, कहा था ना लल्ला का पालना झुलाते रहना वरना वो रो देगा। मैया पता नहीं क्यों रोने लगा है।
तो झुला ही रहा था। लल्ला, लल्ला, देखो अब हो गया ना चुप, अब ठीक से झूला झुलाना, ठीक है? ठीक है मैया। कान जो खिंचवाने थे आपके दाऊ। रह गए जो लल्ला को नहीं देख पाए। मुझे तो बताया गया था कि ब्राह्मण आए हैं, आप तो बहरूपिया निकले। बहरूपिया? ये समझ लीजिए माता, ये अपने प्रभु के दर्शन करने भक्त उसी रूप में आता है जिस रूप को धारण करने का आदेश स्वयं प्रभु ने ही दिया। तो फिर आने में इतनी देर क्यों कर दी? देर? वो बवंडर आया था ना, उसी के कारण देर हो गई। वैसे गोकुल में आपको पहले कभी नहीं देखा, कहां से आए हैं? मैं तो वो दूर कैलाश पर्वत से आया। कैलाश पर्वत से? हाँ माता, मैं वही निवास करता हूँ। बहुत बड़े भक्त हैं आप महादेव के, रूप भी उन्हीं का धरा है, रहते भी कैलाश पर्वत पे। नहीं मैया, ये सत्य है कि मैं कैलाश निवासी हूं, परंतु भक्त में किसी और का हूं। तो फिर ये रूप? मैया मेरे रूप को छोड़िए ना, इस समय तो मैं आपके लल्ला के रूप को देखने के लिए आतुर हो रहा हूँ, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए ना। ठीक है, आइए भीतर आइए। धन्यवाद। क्षमा कीजिए, एक एक करके, लल्ला थक गया है। आइए। सुनिए, मेरा लल्ला आपको इस रूप में देखेगा तो डर जाएगा। इस रूप में? मेरे इस रूप में क्या कमी है मैया? हाथ में त्रिशूल, गले में नागदेव, कैसे नहीं डरेगा? आप इन्हें यहीं छोड़ दीजिए। अच्छा मैया, जैसी आपकी आज्ञा। अद्भुत है मैया का प्रताप, महादेव से नागदेव और त्रिशूल छोड़ने को बोल दिया, किसी और के कहने से महादेव ये कभी ना करें। अब तो आज्ञा है ना मैया? हमें तो लगा था इस बहरूपिया के कारण कहीं हम ना पकड़े जाएं। अगर ये बहरूपिया ना होता तो अभी तक हम घर में प्रवेश कर चुके होते। अब तो पता लगाना पड़ेगा ये बालक है कौन। अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सकूं कोई उपमा।